दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों आज हम जानेंगे एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है आपकी और जॉब क्या कर इक्कीस के बारे में एमटीएस में सिलेक्ट होने के बाद कितनी मिलेगी सैलरी और क्या होगी जिम्मेदारी। तो चलिए जानते हैं सारी जानकारी दोस्तों इस छोटे से वीडियो में। तो जो दोस्तों जैसा कि आप लोग फॉर्म भरे हैं 2020 का 2021 में, तो एसएससी में एमटीएस की भर्ती 2021 के लिए इन तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जैसा कि एसएससी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक सूचना के मुताबिक एमटीएस की भर्ती परीक्षा जो है कि 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच होना तय हो गया है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो बना के बता दिया था कि आपका एमटीएस एग्ज़ाम 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में चलने वाला है। और जैसा कि दोस्तों ये एग्ज़ाम आपका जो है कि एमटीएस का 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आयोग ने परीक्षा को स्थगित कर दिया था। तो जैसा कि पता है कि एक पिछली नोटिस निकली थी उसमें बताया गया था कि आपका 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम होना है एमटीएस का, लेकिन कोरोना के चलते इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन आगे कर दिया गया, जो कि अभी एक नई तारीख डेट आ गई है वह है 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों जैसा कि एमटीएस एग्ज़ाम 5 अक्टूबर से है तो एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड परीक्षा के कुछ दिन पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि सभी का एक ही दिन एग्जाम होगा, अलग अलग होगा, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। जैसे 10 दिन पहले आप मांग चलेंगे 5 तारीख का एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर 6 तारीख का एसएससी आता चला जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि एक ही दिन में सबका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, डेट बदल बदल के सबका जिस दिन एग्जाम रहेगा उसके 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब चलिए जानते हैं इसमें सैलरी कितनी मिलती है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं सैलरी, तो दोस्तों बता दें कि इस भर्ती में परीक्षा सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को ग्रेड पे जो है कि 5200 से 20200 के ग्रेड पे 1800 के हिसाब से मिलेगी सैलरी। एक हिसाब से का भी लाभ मिलता है। गौरतलब है कि एमटीएस के पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को पियोन, जूनियर गेस्टनर और ऑपरेटर, वॉचमैन, क्लीनर और गार्डनर के काम करने का मौका मिलता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे काम क्या करने होते हैं। एमटीएस में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निम्नलिखित कार्य करने होंगे, जैसा कि अभिलेखों का रख रखाव, सामान सफाई व रख रखाव, फोटो कापी करना, फैक्स भेजना, गैर लिपिकी कार्य, कार्यालय के रोजमर्रा कार्य की सहायता करना, और साथ में भवन में बाहर डाक की सपूर्दगी, पार्कों, लान, पेड़ पौधों की देखभाल, उच्च प्राधिकारियों का द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य, ये सब काम आपको करना पड़ेगा वहाँ पे अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को सैलरी के बारे में पता चल गया, सैलरी आपकी 18,000 से 22,000 के बीच में रहेगी। जैसा कि यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, प्यून है, जूनियर कनेस्टर है, ऑपरेटर, वॉचमैन, क्लीनर, गार्डनर के पदों पर जो होगा उन लोगों का अलग अलग सैलरी वहाँ पर फिक्स किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको अन्य सुविधाएँ या भत्ता मिलेगा। जैसा कि यहाँ बोला गया है कि अन्य भत्तों व सुविधाओं का भी लाभ मिलता है, तो इस तरह का आप मान चल सकते हैं जो भत्ता सब कुछ मिला कि आपकी सैलरी 27 से 28,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। 27 से 28,000 आपको पर मंथ सैलरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसका जो कि एग्ज़ाम आपको 5 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड आपका 10 दिन पहले जारी हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।